आदाब नाजरीन, मैं हूँ रिफत नसीम और मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय ग्लोबल वॉलपेपर, नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। विंग्स इंफोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन, क्लाउड कलेक्शन, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल, अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के साथ। आज 23 फरवरी से माध्यमिक इम्तिहान की शुरुआत हो गई है। यहाँ आपको बता दें कि आसनसोल सैयद नजरुल स्कूल का सेंटर अंडाल रहमत नगर इकबाल एकेडमी में पड़ा है। ऐसे में दूरी के मद्देनजर तलबा व तालिबात को सैयद कबीरुद्दीन की निगरानी में बस से सेंटर के लिए रवाना किया गया। चूंकि ये सफर तमाम बच्चों की जिंदगी का पहला सबसे बड़ा तालीमी सफर था, इसके अख्तताम पर बच्चों को इम्तिहान का पर्चा भी लिखना था, इसीलिए हौसला अफजाई के मकसद से बच्चों को गुलाब और पानी का बॉटल देकर इनमें हौसला भरने की कोशिश की गई। इस मौके पर आसनसोल नॉर्थ पुलिस के अफसरान व डिप्टी मेयर वसीमुल हक बच्चों को गुलाब देते नजर आए। वहीं हमारे नुमाइंदे ने ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल में इम्तिहान देने आए बच्चों से भी सेंटर के बाहर बात की। इनमें कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट तो कुछ नर्वस भी नजर आए। डालते हैं एक नजर माध्यमिक इम्तिहान के रिपोर्ट पर। जी सर, बहुत अच्छा लगा। अंडाल रहमत नगर इकबाल एकेडमी, सैयद नजरुल, नीलूफर यास्मीन। और क्या अंडाल अब्दुल्ला अंसारी 10, सैयद नजरुल। नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना वारसी है, मैं हाजी कलम स्कूल में पढ़ती हूँ। ये सर हम लोग का, ये हमारे सर हैं, हम ये हाजी कदम नसल हाई स्कूल में पढ़ते हैं। ये हमारे कोचिंग के सर जावेद सर हैं, इनके मेहनत की बदौलत आज हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सकीना वारसी। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा घबरा हट है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। उर्दू का फर्स्ट लैंग्वेज MMU हाई स्कूल, ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, हदीका खान, अतिया परवीन, मुसर्रत परवीन। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग एग्ज़ाम के लिए। चलिए, ये है कि हम लोग हाजी कदम पूरा बंगाल में टॉप करे और हम लोग का स्कूल का बच्चा लोग सब टॉप करे। कल से फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर होगी कार्रवाई। जी हां, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय ने आज एक अहम मीटिंग के बाद ये जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि आइंदा कल से रविंदर भवन के करीब से गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मजीद कहा है कि शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा और साथ ही साथ जाम मुक्त करने के लिए भी जरा वक्त लगेगा। যেটা MIC মিটিং হয় সব ডেভেলপমেন্টের জন্য, কোথায় কি পজিশন আছে, কি না আছে, আগামী দিনে কি করতে হবে, এসব নিয়ে মিটিং। গুরু চেয়ারম্যান তো 27 তারিখে না, আগের দিনে বললাম স্টাফের সংখ্যা খুবই কম আছে, তো আগামীকালও ভাঙা চালু, আগামীকাল চলবে আবার 12টার পর থেকে, মানে আগামীকাল চলবে রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে। গত বছর দারুণভাবে মানুষকে প্রতিটি পাড়াতে যেখানে 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 জলের অসুবিধা ছিল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া হয়েছিল। এই বছরও ঠিক সেমভাবে, এবছর অনেক জায়গায় লাইন হয়ে গেছে,
तो जेखने असुविधा हबे सेखने कॉर्पोरेशन सबसमय पासे थाकबे। नाज़रीन वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आए ग्लोबल वॉलपेपर जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन मुर्गासर कॉम्प्लेक्स लजीज बिल्डिंग थर्ड फ्लोर आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS EduSkill प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेलीप्राइम, GST, इनकम टैक्स, PTAX, TDS, MS Office, SAFICO जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विथ फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए
विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन वी सप्लाई वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HP IP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है अपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। शिल्पांचल में एक बार फिर गूंजी उर्दू कॉलेज की मांग। जी हाँ, बताते चले कि आलमी यौमे मादरी जबान के मौके पे 21 फरवरी को अजीमुशान मुशायरे का इनकार किया गया था और इसी दौरान अपने खिताब में साबिक एमआईसी रबीउल इस्लाम ने उर्दू कॉलेज पर अपनी सदा बुलंद की। इन्होंने कहा है कि ये मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। इन्होंने कहा कि आसनसोल में उर्दू वालों की बड़ी आबादी है, फिर भी बच्चों को 12 के बाद दूसरे रियासत जाना पड़ता है। वहीं इन्होंने मजीद कॉलेजों का नाम गिनवाते हुए तलबात की परेशानी पर भी जोर दिया और खुलकर अपनी बातों को रखा। तो ये आसनसोल शिल्पांचल अभी तो विदर्भ को चाहिए किंतु हमारे जे दाबी আমি আমার পার্সোনালি কথা বলছি, এই দাবি আমি বিগত দিনে আমি আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় রেখেছি, আজও রাখছি, আগামী দিনেও রাখবো। কারণ আজকের দিনটা হচ্ছে এমন মহত্তম দিন যে দিনটা হচ্ছে আমার এই দাবির পেছনে নিশ্চয়ই আজ হয়তো আমরা আছি হয়তো কালকে থাকবো না, কিন্তু এই কথাটা নিশ্চয়ই থেকে যাবে, এই কাজটা নিশ্চয়ই আজ না তো কালকে হবে। আমার এখানে আসানসোলে এত মানুষ উর্দু ভাষী, এত স্টুডেন্ট, আমি শুধু ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আপনাদেরকে, ইন্টারভিউ আমি বেশি সময় নেব না, ছোট্ট একটা উদাহরণ। আপনারা যদি দেখেন যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে উর্দু ভাষী স্টুডেন্ট 12 ক্লাস পাস করছে, আমি এই ক্যালকুলেশন আপনাকে বলে দিই, আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে উর্দু হাই স্কুল থেকে উর্দু পাস করছে প্রায় 5000 ছেলে বছরে, এক বছরে নিয়ে 5000 ছেলে মেয়ে পাস করছে। এবং 5000 ছেলে মেয়ে পাস করে যাওয়ার পর আমি বিবি কলেজে যাই, আমি বিসি কলেজে যাই, আমি আসানসোল গার্লস কলেজে যাই, আমি টিডিবি কলেজে যাই, আমি রানীগঞ্জ গার্লস কলেজে যাই, আমি চুরুলিয়া কলেজে যাই, আমি পাণ্ডবেশ্বর কলেজে যাই, আমি কুলটি কলেজে যাই, সব কলেজে ছেলে মেয়েদের সংখ্যা যে তারা 12 পাস করার পর কোন কোন কলেজে ভর্তি হলো। ইভেন আমরা যদি সারা পশ্চিমবাংলার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলুন, মেডিকেল বলুন, সমস্ত জায়গা যদি আমরা খুঁজে দেখি আপনারা দেখবেন স্বল্প সাকুল্যে 12 ক্লাস পাস করা 5000 স্টুডেন্টের মধ্যে মাত্র হয়তো খুব বেশি হলো 500 থেকে হাজার, হাজার কোনি পার হবে না, 500 ছেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য, হায়ার এডুকেশনের জন্য তারা ভর্তি হয়েছে কোন কলেজে। তাহলে বাদ বাকি এই 4000 ছেলে মেয়ে উর্দু ভাষী যারা শিখলো, যারা 12 ক্লাস পাস করলো, যারা রাহমানিয়া থেকে পাস করলো, যারা রাব্বানিয়া থেকে পাস করলো, তারা কোথায় যায়, সেই স্টুডেন্ট গুলো কোথায় হারিয়ে গেল? তো আমি যদি বলি এখন শিল্পাঞ্চল একটা উর্দু মিডিয়াম কলেজ আমাদের চাই, তাহলে আমাদের কথার মধ্যে কি কোনো রকম গলত আছে? আজকে আমরা এগুলো বসছি আগামী দিনে এই মুশায়রাকে জিন্দা রাখার জন্য, আগামী দিনে উর্দুকে জিন্দা রাখার জন্য। আজকে আমি বলবো, আমি যে হিন্দি কলেজ অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আসার করে হিন্দি কলেজ হয়েছে, আমি এই লড়াই যারা করেছিলেন আমি তাদেরকে সেলাম জানাই, যেখানে হিন্দি কলেজ হয়েছে, হিন্দি আমার ছেলেমেয়েরা পড়ছে, হাওড়াতে হিন্দি ইউনিভার্সিটি হয়েছে। কিন্তু আমার একটা আসানসোল যদি শিল্পাঞ্চল যদি একটা উর্দু কলেজ না হয়, আগামী দিনে কিন্তু আমাদের এই উর্দু ভাষা এত সুন্দর ভাষা, সত্যি তাদের এই ছেলেমেয়েরা যদি তারা উচ্চ শিক্ষায় চান্স না পায়। আজকে সাবরা ম্যাডাম, আজকে আমার কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি স্যার, আমরা চাই উর্দুকে নিয়ে রিসার্চ হোক, উর্দুতে এমএ করুক, উর্দুতে নিয়ে এমফিল করুক, উর্দু নিয়ে রিসার্চ হোক, উর্দু নিয়ে বড় বড় কবিতা লেখা হোক। তো সেই ছেলেমেয়েগুলো তৈরি হওয়ার জন্য শুধু 12 ক্লাস নয়, আগামী দিনে আমাদের শিল্পাঞ্চলে আমাদের একটা কলেজ হোক হোক, এখন আমি সব বলবো না, একটা কম করে উর্দু কলেজ হোক,
আজ যদি হয় ভালো কথা কালকে যদি হয় নিশ্চয়ই ভালো কথা কিন্তু আমরা যদি না পারি আমাদের মনে হয় আমরা সবাই যদি ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকে একটা ভাষা একটা ভাষাকে যদি ভালোবাসে উর্দুর সঙ্গে যদি হিন্দির মহব্বত থাকে উর্দুর সঙ্গে বাংলার যদি মহব্বত থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আসানসোলে হিন্দি মিডিয়াম কলেজের সঙ্গে বিটি কলেজের পাশাপাশি বিসি কলেজের পাশাপাশি ডিটিবি কলেজের পাশাপাশি আসানসোলে আগামী দিনে একটা উর্দু কলেজ হবে এই আশা রেখে আমি আবার 21শে ফেব্রুয়ারি যারা শহীদ হয়েছিল সেই শহীদ ভাইদের এবং তাদের পরিবারকে এবং যারা সেই সময় অত্যাচারিত হয়েছিল উদ্দেশ্য যেই তার ভাষা আন্দোলন ছিল ভাষার আন্দোলন সেই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিল তাদেরকে আবার আমার সেলাম জানিয়ে ভাষা দিবস আজকের এই দিনটাই তাদেরকে আরেকবার সেলাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম আমি অনেকক্ষণ বলিলাম। नाजरीन आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहें खबर आसनसोल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।